सज्जन वृंद, अब प्रसंग की ओर। प्रसंग हमें सुनावे छौ, संत बाबा कारू के प्रसंग के अंतर्गत अधरी प्रसंग शांति की दान दक है। लोक गाथा भगत के सुनो और सुन के पुण्य के भागी बन। संत बाबा कारू आई दुनिया में पर पार लीला लीला करिए। कारू बाबा के महिमा ऐ संसार में यगमय पार लगइए। कोई पावे नहीं पा गुण गाबइए, हजार भक्त करइए जय जयकार। बाबू जय समय में संत बाबा कारू सिंगा लाख गाय लाख पलबा बथान जाय रहे। तो वही समय में गाय के दीन बने रहे, गेबार के दीन नहीं बने रहे। गेबार जाय के बेर में जाय रहे जोरा, और पलवा से महपुरा आवे के बेर में है जाय रहे बेजोरा। तय जाय समय में लक्षण बाबा महिनाथ बाबा के नजदीक गाय के दीन गुनावे न गेले। महीना तो बाकल के लक्षण हो हे हो, गाय के दिन बने छा लेकिन गेबार के दिन नहीं बने छा। अच्छा दिन नहीं छा से नहीं ते ऐ बेर गाय लाके तू दोनों भाई पलबा बथान नहीं जा। ऐ बेर सब गाय के महपुरी नगरी में रहखी। लक्षण बाबा दौड़ के चले ले भैया न भैया हो। बड़का भैया महिना पंडित कहलगा कि गाय के दिन बने छ गेबार के दिन नहीं बने छ। गाय जाय छ गेबार जाय छ जोरा आवे के बेर में भ जाय छ बेजोर। से नहीं कह ए बेर कहलगा गाय ला के पलवा बथान नहीं जाय रे। संत बाबा कारू कल के लक्षण भैया काशी में पढ़लके, पंडित बनले, विद्वान छै, परा गाय के बारे में की ज्ञान छै जे कोना गाय के गुजर जेते महपुरा नगरी में। तेने ते चला दोनों भाई गाय लाके पलवा बथान। संत बाबा कारू लक्षण बाबा दोनों भाई गाय लाके पलवा बथान चल गेले। बाबूजी कोनो बात अगर मन में खटका भए जाय छै तो बात दिल से कभी नहीं जाय छै। संत बाबा कारू मन में सोचलके से नहीं देवे पलवा बथान में जे हम गाय के खुटा गाड़बे ओई गारे से पहिने हमरा त शंका भेली है जे गाय सुरक्षित आवै है महपुरा नगरी से पलवा और सुरक्षित जाई है गेबार आवै है जोरा भए जाई है बेजोर। से नहीं ते ऐ कारण संत बाबा कारू कतरा के झाड़ में झूरी बन दल। बाबूजी कतरा के झाड़ में माँ कमला के बास हुई है। तो संत बाबा कारू कतरा के झाड़ में माँ कमला के नाम से झूरी बन दल कहे जे हे माँ नीक सुख से सिंगा लाख गाय दोनों भाई ऐ पलवा बथान में रह जेबे। महपुरा नगरी जाय के बेर में अहां के नाम से छांकी जनार पान प्रसाद कबुला जे हम करै छौ जाय के बेर में चढ़ा दे। कतरा के झाड़ के झूरी के खोल दे
और तब हम दोनों भाई गाय ला के महापुरा नगरी जी। बाबू श्रोता सज्जन बृंद, संत बाबा तारू के जब पलवा बथान में 6 महीना बीत गए, माँ कमला एक घाट सिंगालाख गाय बाग बाघिन पानी पिए लागले, लेकिन माँ कमला के नजर रही संत बाबा कारू पर। माँ कमला संत बाबा कारू और सिंगालाख गाय लक्षण के कूस के कलेप 6 महीना नहीं लागे। जब संत बाबा कारू गाय लाके महापुरा नगरी जाए रहे, संत बाबा कारू माँ कमला के नाम से जे कतरा की झाड़ में झूरी बांध लगे, वो झूरी के नहीं खोल लगे, पान प्रसाद नहीं चढ़ल गए। वह गलती के कारण है संत बाबा कारू के अधरी जंगल में प्राण जा रहा है। भगवान के जब हम यहाँ कोनो कोबला कह ले छे तो भगवान कोई कोबला के जे भूल जाए छे तो भगवान जान नहीं मारे, हैरान करे, परेशान करे। बाबू संत बाबा कारू गाय लाके अधरी जंगल में परवेश कै गेलैये, श्रोता श्रोता भगवान यो। माँ कमला माया के विस्तार कै देलके। बाबू माँ कमला मन में सोचे लागे, से ग्वाला के 6 महीना गाय के ए पलवा बथान में हम रखवारी के लिए ग्वाला ठक के महापुरा नगरी जा रहा है। कम से कम हमरा नाम से दूध के ढारो नहीं दे दल के, जे माँ कमला अहाँ के नाम से हम दूध के ढार दे छो, हमरा गलती का हम माफ कर। कतरा के झार का झूरियो ने ग्वाला खुल सक लिया। आई जहिना गुवाला हमरा मन के लाल साक भंग के दिल कई, आई वहिना गुवाला के मैं माया मती पात ही आबई है, आई वहिना गुवाला के माय के आया से। यो परमेश्वर आया से, यो भोगाना आ कहिए देव परमात्मा, क्या देव महापुरा Thank you.
परिश्रम के आज के भोगन कहीं नहीं जा रहा है। वही ना गुवाला के माँ मायामती महापुरा नगरी में बेटा के आशा ही आ रहा है। ये कखन हमार बेटा ऐसे बेटा के लिए जो हम खीर पूरी आम कटहल जोगा के रखने छे। बेटा ऐसे बेटा के हम खीर पूरी आम कटहल बगल में बैठ के खिएबे। बाबूजी जय दिन संत बाबा कारू गायला के महापुरा नगरी जाय रहे ओय दिन बाबूजी संत बाबा कारू के घर में परब रहे अतरा पर्व। संत बाबा कारू की माँ मायामती बेटा के लिए खीर पूरी आम कटहल जोगा के रखने रहे। देखियो माँ कमला संत बाबा कारू के मारे के लिए कतेक कतेक उपाय लगा रहे हैं बाबूजी। संत बाबा कारू यधरी जंगल में गायला के जा रहा है। माँ कमला माया के विस्तार कर दल कोई जंगल में आंधी तूफान उठा दल के बाबूजी। माँ कमला माया के विस्तार कर दल के संत बाबा तारू के वह अधरी जंगल में दीग लगा दल। संत बाबा तारू के शरीर आठों शरीर घूम रहा है बाबू। संत बाबा तारू के पूरब पश्चिम के ज्ञान नहीं रहले उत्तर दक्षिण के ज्ञान नहीं रहले। संत बाबा तारू लक्षण के पुकार करे लक्षण रे लक्षण दौड़ के यहाँ हमरा नजदीक हमर शरीर ऐ अधरी जंगल में जना कुम्हार भाई सब चाप के घुमाबई है वही समान हमर शरीर आए अधरी जंगल में घूम रहलो है। ई हमरा पता नहीं छो कि कने पलवा छुटले और कौन दिशा महापुरा जेबे। सेने के लक्षण करिया कमल जे छो ओकरा धरती पर बिछा दही ए कमल पर हम हमरा सुता दही हमरा कुछ देर विश्राम करे ने अधरी जंगल में दे। सो मैया धिया गाय बछरू के चारों बगल बैठा दही। अधरी जंगल घना घोर जंगल है सुन अगर हम सुत जाइबो ऐ जंगल में कोनो आपत्ति विपत्ति चल अतो बाप सिंह सियार सदूल चल अतो तो तू हमरा लक्षण दे जगा दी है। सुन अगर तरा जगैने से हम अधरी जंगल में नहीं जागबो ऐ लक्षण दे पर छोट के तू लाज ऐ अधरी जंगल में तू नहीं राखी। अगर तरा जगैने से लक्षण हम अधरी जंगल में नहीं जागबो तो हे रे लक्षण ए रे बाबू चार
खाचा कई है रे दुलारुआ। भैया के याधारी रे लक्षण बाबा कल के भैया हो कोनो तरह हम चाट मार के जगा दे। तू हमर पार भाई छे, पार भाई के कई लोग चाट मार लकई है। संत बाबा कारू कल के लक्षण लचार में कोई विचार नहीं होई है, गरीब के कोई नियम नहीं होई है, सबल में कोई दोष नहीं होई है। लचारी अवस्था छे, लचार में कोई विचार नहीं करल जाई, गरीब के कोई नियम नहीं होई, सबल में दोष गलती नहीं होई। तेने कई कारण लक्षण अभी लचारी समय छो, ए लचारी में बड़ छोट के तू लाज कर नहीं मानी। संत बाबा कारू सज्जन वृंद, ए हमारी माँ बहन बाबू भैया सब संत बाबा कारू लक्षण बाबा के जांग पर सुतलिए। लक्षण बाबा उजरी चादर के तैंगल के एने माँ कमला दरबार मारने भंखी बन जंगल चल गले। जतेक बाग बागिन रहे सबके निमंत्रण दे दिए सुना, चला तू सब अधरी जंगल ग्वाला कारू के खून क्या खाया कर तू सब पी हो। जतेक भाग भाग बागिन रहे ओई में से एगो लुल्ही बागिन रहे, लुल्ही बागिन कल के हम नहीं जा सके छो कारू के सोनी पिए के लिए। किया बाबूजी एक दिन के बाद छे संत बाबा कारू काय के तिलजुगा नदी में पानी पिलावे रहे। ओए सीरा में बागिन पानी पिए रहे, संत बाबा कारू के नजर बागिन पर पैर गेले। संत बाबा कारू क्रोधित भए गेले, मन में सोचे लागले कि बागिन हमरा गाय के सीरा में पानी पी रहल है, एकर जूठा हमर गौ माता पानी पीते। संत बाबा कारू एक पटकन मार लगे, एक के पटकन में बाघिन कढ़ाए गो हंसी के तोड़ दे। ते
लुल्ही माघी माँ कमला का कल के कारू बलवानी है वही कारू के हम सोनी पिए के लिए नहीं जा बाबूजी एगो बाघिन के के बात माने छे हजारों बाघिन रे पंछी बन जंगल में सब लुल्ही बाघिन नहीं जाइए सब बाघिन चल जाइए अधरी जंगल संत बाबा कारू के मैया धिया गाओ पछरू पैसल रहे बीच में संत बाबा कारू संत बाबा कारू सूतल रहे संत बाबा कारू जे कल के लक्षण हो जागले रही हो कोनो आपत्ति विपत्ति ऐसा हमरा जगा दी हो माँ कमला माया के विस्तार कह दल के लक्षणों के नींद सवार कह दल के लक्षणों के बाद नींद पैर गले सुत गले बाबूजी बाग बाघी सूतल मानव परिवार जल नहीं करी बागिन सब मन में सोचे कब ग्वाला जागता है ये हम सब बाग बागिन मिल के ग्वाला के सोनी का घात पी भाई बाबूजी ताकत में घर के देवी मां कही संत बाबा कारू के स्वप्न में कही है हो कारू भक्त तू अधरी जंगल में सूतल छो चारों बगल से बाघ बाघी बड़ा दोनों भाई मैया धिया गाय बछरू के घेरने छा जल्दी जागा नहीं तो बाबू साहब के जीप हाथ क्या दे माँ कहिल के शब्द संत बाबा कारू सुनिए संत बाबा कारू के आंख खुल जाइए संत बाबा कारू लक्षण के जगावे लक्षण रे जाग जा लक्षण बाबा जा गई है संत बाबा कारू कल के लक्षण रे कालियो जाय के रहे न तो आया अधरी जंगल में सुत गेल ही है बाबूजी संत बाबा कारू हार भय जाई अधरी जंगल में हारा पीट लई है एक हाथ में लाठी है एक हाथ में पटकनी जैना भेरी में हुलार पैसे है वही समान संत बाबा कारू हजारों बाग बागिन पर तार जाइए बाबू यो तो जाते यो तो जाते आप भगाइए दिल के बैरागिया आओ भगा दिल के हजारों यो जय हो जय
बाबूजी। हजारों पाप बागिन के संत बाबा कारू मार के भगा दल के दौड़ते दौड़ते भंटी बन जंगल पहुंचा दल के बाबू। संत शिरोमणि श्रोता बंधो ये हमारी माँ बहन बाबू भैया सब तो आइए पुरस्कार की ओर। आप हैं दुनिया ही पंचायत, आप हैं खोपैती दुनिया ही पंचायत का वर्तमान मुखिया जी उमेश प्रसाद यादव, दुनिया ही खोपैती पंचायत का वर्तमान मुखिया जी उमेश प्रसाद यादव, ऐसे बड़े भाई के ओर से बड़ी उदारी दिल से आशीर्वाद स्वरूप है हमारे मंडली को शानदार एक सौ एक रुपए का आशीर्वाद है। ऐसे बड़े भाई के चरणों में मैं पूरे मंडली कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप हैं गोपाल यादव ठेकेदार साहब और शंभु यादव, आप हैं गोपाल यादव ठेकेदार साहब शंभु यादव, ये दोनों श्रद्धालु की ओर से शारदा के साथ शानदार हमारे मंडली को 51 रुपए का आशीर्वाद भेजे हैं। ऐसे गुरुजनों के चरणों में मैं पूरे मंडली कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप हैं मोहित मुखिया वार्ड नंबर 8 खोपैती, आप हैं मोहित मुखिया वार्ड नंबर 8 खोपैती, ऐसे गुरुजनों के ओर से आशीर्वाद स्वरूप हमारे मंडली को शानदार 151 रुपए का आशीर्वाद है। ऐसे गुरुजनों के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो। भगवान श्रद्धालु के मन के मनोकामना को पूर्ण करे, माँ सरस्वती परिवार में विद्या के भंडार दे, भोले बाबा भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो, उनकी समस्त परिवार की जय हो। अहिला सेवकिया हो बाबा तो हरे दुवरिया हो बाबा, अहिला सेवकिया हो बाबा तो हरे दुवरिया हो बाबा, सेवक के मन के मंदिर दुवरिया हो बाबा, तोहरे दुवरिया में अइला से बसिया हो, कबेरा फेरी दियो सेवक पर नजरिया यो, तेरो से अइला से बाबा तोहरे दुवरिया हो बाबा, तेरो से अइला से बाबा तोहरे दुवरिया हो बाबा, तेरो से सेवक के भागे तो दुवरिया हो बाबा, बोलो बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रोता सज्जन वृंदे हमारी माँ बहन बाबू भैया सब, जब संत बाबा कारू हजारों बाग बाघिन के भंठी बन जंगल दवायल के पहुंचा दल के बाबूजी, ते माँ कमला मन में सोचे लागले ग्वाला बहुत बलिष्ठ है, माँ कमला आपन रूप के छोड़ गई है, बूढ़ी के रूप धारण क्या लई है, जय रास्ता से संत बाबा कारू लौट के लुल्ही बाघिन के दबाए के आवे रहे अधरी जंगल, और बीच रास्ता में
बैठ के बाबूजी माँ कमला बूढ़ी के रूप धारण क्या कर बैसलिए माँ कमला कौन नहीं है बाबू बाबू संत बाबा कारू माँ के कहने तो देखिए संत बाबा कारू कल के माँ क्या यहाँ है जंगल में कहीं रहल छे बाबू संत शिरोमणि श्रोता बंद संत शिरोमणि श्रोता बंधु ए हमारी माँ बहन बाबू भैया सब फिर संत बाबा कारू अपना मन में सोचे है इ सब जे भय रहले है केकरा कारण भय रहले है से नहीं ते जैस में मैं गाय ला के पलवा बथान लिए तो माँ कमला के नाम से कतरा के झाड़ में झूरी बांध लिए आ कहलिए माँ छ महीना जाओ मैया धीए गाय बछरू दोनों भाई पलवा बथान में नीक सुख से रह जेबे तो जाए के बेर महा के नाम से छौकी जनार पान प्रसाद दे दे तब हम महापुरा नगरी जेबे से नहीं ते माँ कमला के पान प्रसाद नहीं दलिए गाय लाके हम महापुरा नगरी जा रहल छिए से नहीं ते वहां माँ कमला के तई करतूत सब नहीं छिए माँ कमले ते माया के नहीं विस्तार कह दल कही संत बाबा कारू फिर मन में सोचे है लागई आई कमला छी संत बाबा कारू कल के माँ आ कमला छी है आ के मन में होई है जे कारू गुवाला आहां सब मर जेता है आहां सब कारू गुवाला नहीं मर सके ए आई जब तक घर के बेबी गही लगे या सिरमा हमारा संग में रहतई तातक गुआला के कोई संसार में मर नहीं सकई माँ कहिल के कृपा आशीर्वाद हमरा संग साथ ग्वाला के संग साथ रहते ता तक कोई संसार में कोई वीर कारू के नहीं पाल सके बाबू संत शिरोमणि श्रोता बंधु माँ कमला मन में सोचे हो लागई है माँ गहिल करा आशीर्वाद देने छे ग्वाला अधरी जंगल में तैर के बोल रहल छे माँ कमला उड़ल उड़ल ओई जगह से महापुरा नगरी चल जाई है माँ गहिल के आगन में रोदना के पसार दिल के बाबू माँ गहिल के आगन में जारतने लाग लई जार बेजार कमला कानैया आँख से आंसू कमला के गिरई बाबू माँ कमला जे माँ गहिल के आगन में काने रहे माँ गहिल कलकी के हमरा आगन में कानै छे के डाकनी पिचासनी भूतनी परेतनी हमरा आगन में अलच के तरह कानै छे कौन तू पै गेलो ये हमरा आगन में आके तू कइन रहल छी बोल मां गही लगे सा माँ कमला सुनैया
माँ कमला कैन कैन के कहिए गे बही गे सहोदरी। नहीं हम भूतनी छियै नहीं परतनी छियै नहीं डाकनी छियै नहीं पिचासनी छियै। बा हम नहीं भूतनी छियै नहीं परतनी छियै नहीं डाकनी छियै नहीं पिचासनी छियै हम तोहर सहोदरी सागा बहन कमला छियै। माँ गहिल गल के कमला तोरा कौन दुख विपत्ति पड़ गेलो जे तू हमरा दरबार में आबि के तू आंगन में आबि के तू जार बेजार कानी छि रोदना के तू पसार गल ही है। माँ कमला कल के बहन गए तोरा दया से हमरा कोई चीज के कमी नहीं है। माँ गहिल गल कई तब कौन कारण तू हमरा दरबार में आबि के जार बेजार काने छी बोल कौन दुख पड़लो। माँ गहिल कल के माँ कमला कल के गे बही हमरा साथ तू सत पा सत जो हमरा संग साथ क्या लभी तब तोरा से हम मांग आ तब तोरा हम दिल के बात कह। माँ गहिल कल के कमला इमे सत की बात है दोनों बहन में की सत होते हैं बोल जे कहबी तोर हम वचन पूरा कर। माँ कमला कल के नहीं बहन जा तक हमरा साथ तू सत नहीं करबी ता हम तोरा दुख के वृतान तोरा हम नहीं बतेबो। माँ गहिल कल के जो कमला तोरा साथ हम सत करे छियो एक सत दू सत ब्रह्मा विष्णु सत तोरा सत से जे बेसत होते ओकर नरक में बास हो। माँ गहिल जाओ कमला के साथ सत क्या ललके। माँ कमला हंसने लागले बाबू माँ गहिल कहे बहन गए हे गई बर पर दुख तोहा सेवक कारू दिल को बार बार गलती तोहर से बककारू हमरा संग साथ कल को ये बहन कारू तोहर सेवक छियो। माँ कहिल कल के हाँ कारू हमर परम पुजारी छी। माँ कमला कल के बर गलती हमरा साथ तोहर कारू कल को बान कल के माँ गहिल कल के की गलती कारू हमर सेवक तोरा साथ कल को। माँ गहिल माँ कमला कल के गे बहीन कारू जय समय में पलवा बथान गाय ला के जय रहू ने ते कारू हमरा नाम से कतरा के झूरी में झार बहिन दल के हमरा कहल के जे माँ कमला 6 महीना मैया धिया गाय बछरू दोनों भाई ए पलवा बथान में रही जेबे ते महपुरा नगरी जाए के बेर में हां के नाम से छांकी जनार पान प्रसाद दादेव कतरा के झार के झूरी के खोल दे और तब हम महपुरा नगरी चल। छ महीना कारू के गाय के दोनों भाई के रखवारी पलवा में कलिए एक घाट बाघ सिंह सियार सतूल हजारों सिंगा लाख गाय बछरू के पानी कारू नमिल के लेकिन कारू के गाय के बछरू के
आज तक 6 महीना तक कुश के कलेप लागे ने नहीं दलिए दोनों भाई पर कुश के कलेप लागे नहीं दलिए। आए ग्वाला महपुरा नगरी जाए रहे तो हमरा नाम से तनी गो दूध के ढारो नहीं जा सकले से बहिन है गैया सके के गई बहिनिया गैया सके तोहर से बक्का कल कौ गए पहिनिया ये गई क्या चल कौ दुनिया गे ये जाए के बेर में ग्वाला हमरा नाम से दूध के धार 6 महीना तमाशा लगे ले रही है ग्वाला महपुरा नगरी जैसे ने कारू हमरा नाम से छल की जान जनार पान प्रसाद दे देते तब कारू लौट के महपुरा नगरी जैसे लेकिन कारू 6 महीना के आस के भोग कर पैदल हुई श्रोता सज्जन वृंद माँ का ये नल के आस भोगन क्या दिल को तो तू की चाहे छी माँ कमला कल के बहस हम हूँ कमला छी जय ना कारू हमरा आस के भोगन क्या दिल के तो वही ना कारू के माँ मापुरा नगरी में बेटा के कारण
बेटा के लिए 6 महीना से आस लगे नहीं है। आई बेटा के लिए खीर पूरी आम कटहल जोगा के राख नहीं है। ये बेटा आई ते बेटा के खीर पूरी आम कटहल खिले आई वही ना कारू के माई के आस के भोगा भोगान के देबई वही ना कारू के माई के आस के भोगन के देबई से नहीं ते कारू के जीव हमरा दान में टूटे माँ कही जो कमला के सब सुनई है माँ कही कमला के कही है ये कमला की तू बोल रहा है ठीक है। माँ कमला कल के कारू के जीव हमरा दान में दे माँ कही कल के ये कमला आप नहीं बोली बात कारू के जीव तरह हम दान में दे चाहे हम तरह संसार सत के लिए सबसे बेसत हम किया में भै जाओ लेकिन कारू के जीव तरह हम दान में नहीं देबो कमला के साथ के सुनैया माँ गहील के आँख से आँसू गिरे लागलै गे कमला गे नगिनिया सहोदरी बहन के लेकिन नाग
न पैन गेलही सहोदरी बहन बहन के तू अलही लेकिन नागिन बहन के हमरा तारू से मस्त चललही माँ गहिल कमला के साथ सत क्या ले माँ गहिल कमला का कहिए कमला तू जब कहीं शिकारू का जीव दान न जा रही ये गई कारू के पास माया मती नितती हमरा गहबर में झाड़ू लगा भैया असनान कह के पूजा पाठ करिए कारू के माँ नित दिन हमरा गहबर में सवेरे सवेरे झाड़ू लगा भैया असनान कह के पूजा पाठ करिए प्रेम श्रद्धा तू जब वह माय के पिता के तू जीव के घात करे ले जा रहल छी अच्छा नहीं करे छी कबो गे कमला कमला अगर कारू के तू जीव घात क्या दही कारू के माय जल जैसे बेटा अधरी में मर गए माँ बहिना ये ध्यान से सुनब कम के बाबू भैया सुनब काल बाबा के लीला के सुनब बर बर लीला करु बाबा करल ऐ दुनिया संसार में करल बाबा के महिमा अपार लगै जे सब बाबा के मन से भजै मन तन धन से भजबे करै ओ करबे रा पार करै आइयो Thank you.
श्रोता सज्जन वृंद, तो आइए एक आवश्यक सूचना है कि कुछ ही क्षणों के बाद आप लोगों के बीच रंगीन मंडली खोजराह से आए हैं, खोजरी से आए हैं, उनके स्वर में आप लोग लोक गाथा भगत अभी आप लोग सुन रहे हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। तो कुछ ही क्षणों के बाद रंगीन मंडली खोजराह से आप लोगों के बीच धर्म कुंज में उपस्थित हो रहे हैं, उनके स्वर में आप लोग लोक गाथा भगत सुने और सुनकर के पुण्य का भागी बने। आइए पुरस्कार की ओर। आप हैं पवन प्रसाद यादव, आप हैं पवन प्रसाद यादव, ऐसे गुरुजनों की ओर से आशीर्वाद स्वरूप है हमारे मंडली को शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद है। ऐसे गुरुजनों के चरणों में मैं पूरे मंडली कोटि कोटि नमन करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। और आप हैं धीरेंद्र पहलवान दही भंडार, आप हैं धीरेंद्र पहलवान दही भंडार के ओर से बड़ी उदारी दृष्टि शारदा के साथ शानदार हमारे मंडली को 25 रुपए का पुरस्कार है। ऐसे गुरुजनों के चरणों में मैं पूरे मंडली कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान श्रद्धालु के मन के मनोकामना को पूर्ण करें। और आप हैं उत्तर वाली मुरवाला, आप हैं उत्तर वाली मुरवाला श्रद्धालु है जाटा शंकर चौक वार्ड नंबर 8 शक्ति भगत बाल कृष्ण विष्णु देव मुखिया। आप हैं उत्तर बारी मुरवाला जाटा शंकर चौक वार्ड नंबर 8 शक्ति भगत बाल कृष्ण विष्णु मुखिया। ये सभी श्रद्धालु के ओर से बड़ी उदारी दृष्टि शारदा के साथ शानदार हमारे मंडली को 301 रुपए का आशीर्वाद है। ऐसे गुरुजनों के चरणों में मैं पूरे मंडली कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप अंकित आनंद पिता नरेश कुमार, आप अंकित आनंद पिता नरेश कुमार, ये बिल्हा चंदौर सहरसा, ऐसे श्रद्धालु के ओर से शारदा के साथ शानदार हमारे मंडली को बड़ी उदारी दिल से 51 रुपए का पुरस्कार है। भगवान सभी श्रद्धालु के मन के मनोकामना को पूर्ण करे, मां सरस्वती परिवार में विद्या के भंडार दे, भोले बाबा भंडार को भरे रखे। जय हो दानी महाराज की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो। भोला बाबा भंडार का भाई दिया भाई हो Thank you.
प्रिय भक्ति कवच भगवान बसैय। प्रिय भक्ति कवच भगवान बसैय जे सब मालिक मन से भजैय। प्रिय मंदन धन से भज्य करैय वो कर देना पार करैय। ये घड़ी में घोर उठाइए गई है पल में मन में मचाइए गई पर छल गढ़िया दै में लगई है पर अन रुपया दै में लगई है मालिक महिमा अपार लगई है। आयो भगति के या सुन मैया यो भगति यो भजन के अरस तिलवा यो परमात्मा ये अच्छी आयो इसबारा धर्म के लीला यही संसार में अगम अपार लगई। बाबू श्रोता सज्जन वृंद माँ कमला के आगे में माँ गही कौन है कैन कैन के गही गे कमला कारू के जी तू जीव घात क्या दही कारू के माँ इस संसार में जिंदा नहीं रह सके। माँ गहीर कल कल के गे कमला कारू के जीव तरह हम बार बार कही छियो दान में नहीं देबो कारू एन भाव के संसार में हमरा दोबारा नहीं मिल। माँ कमला कने लागले गे बही अगर कारू के जीव दान में नहीं देबही कारू सेवक दान में नहीं दबी ते हमरा साथ तू सत कैलही सत से बेसत होई भी नरक में बास होई तो तोहरे संसार में कोई गुणगान नहीं करतो कोई नाम नहीं लेतो। माँ गही लचार में पैर गले लचार बस माँ कमला का कही दल के गे चंडालनी जो तोरा साथ हम सत के लियो तो जो तोरा संग तोरा सक कारू सेवक मर जे तो जो
कारू के तू मार दी। बाबू संत शिरोमणि श्रोता बंधु ए हमारी माँ बहन बाबू भैया तब तक मैं संत बाबा कारू मैया भैया गाय बछरू के लाकर धारा नदी के किनार में हिले नहीं है। बाबू श्रोता सज्जन वृंद ए हमारी माँ बहन बाबू भैया सब माँ कमला उड़ल उड़ल अधरी जंगल आवई है ओ जगह से माँ कमला धारा नदी के किनार आवई है देखिए ग्वाला के मैया धिया गाय बछरू के लाके पश्चिम से पूरा पगल जा रहा है। माँ कमला के आँख से आंसू गिरे लागल आप ग्वाला लागई है हमारा से मार नहीं खा सकई आप लागई है हमारा से ग्वाला ए जगह नहीं मरत। श्रोता सज्जन वृंदे हमारी माँ बहन बाबू भैया माँ कमला माया का विस्तार कर दई है वे धारा नदी में आंधी तूफान बरसात पर का के सृष्टि कर दई वे बरसात पर का में मैया धिया गाय बछरू दिलार मैल संत बाबा पारू कल के लछान रे बढ़िया से सहोदर गाय के पूछ के पकड़ने रही संत बाबा पारू ता तक में गाय सब लेके पश्चिम से पूरा बगल भीता पर चल गई है। बाबू माँ कमला संत बाबा कारू के किछे बछरू जे आंधी तूफान में पश्चिम बगल चल ले दो चार पांच बछरू के माँ कमला अधरी जंगल ले जाइए अधरी जंगल पच डोब के बीच में कर्मी के लत्ती से सत के बान बन गई। माँ कमला मन में सोची है ग्वाला के गांव बछरू से बहुत प्यारा ही है बहुत स्नेही है सेनित ग्वाला जरूर रहते अधरी जंगल संत कारू बाबा लक्षण बाबा गाय लेके पूरा बगल आवई है संत कारू बाबा कल के लक्षण रे एक बार देखो सब गाय अला की नहीं सब गाय के बछरू अला की नहीं मनहा सार अला की नहीं लक्षण बाबा देखिए तो गाय अल किछ गाय के बछरू अल आ किछ गाय के बछरू के लक्षण नहीं देखिए किछ गाय के बछरू के लक्षण जो नहीं देखलक लक्षण दरबर मार नहीं ले भैया हो यो गाय सब अला मनहा सान अलाई है आ किछ गाय के बछरू अला किछ गाय के बछरू नहीं अलाई संत बाबा कारू के लक्षण लागे छो कुछ गाय के बछरू ओ आंधी तूफान में पश्चिम बगल लागे छो चल गेलो से नहीं ते तू यह जगह गाय सब के रोइम के राख हम जाय छियो बछरू के लावे ने पश्चिम बगल से मनहा स्टार के संत बाबा कारू कह दई रे मनहा रे गाय सब के तू देखी है गाय सब के खेत में नहीं दिए जाए ने अगर खेत सब में जाते गाय धान बुनलिए धान जो गाय सब खा जाते तो भैया सब भैया महीना के प्रचारे ने जाते तो भैया को तो ही नंगे बारी करे छो गाय कतो रहे छा बछरू कते रहे छा से नहीं ते गाय सब करो इनके रात
हम जाय छियो बछरू के लाबे नदरी जंगल। लछान कहलकै भैया हो सहोदर हो नहीं जाय धरी जंगल। हे हो ये धरी जंगल में यार काल बादल ने यार। हे हो ये धरी जंगल नहीं जा एक बार अधरी जंगल में हजारों बाग बाघिन घेर ललका दोसर बेर झारा नदी के धार में आंधी तूफान बरसा तरका से दोनों भाई बच गलिए। भैया अधरी जंगल नहीं जा अधरी जंगल में काल प्रवेश लेने संत बाबा कारू कल के लक्षण हमारा अधरी जंगल जाए से मना नहीं कर। अगर अधरी जंगल नहीं जेब बछरू सब कर नहीं लेब गाय जा के जे महापुरा नगरी जेब गाय सब के लाठा बथान पर बैन देब जे गाय के बछरू रहते उ गाय के नहीं सेलार मारते जे गाय के बछरू नहीं रहते बछरू के गाय नहीं देखते गाय सेलार मारे लगते। भैया जो गाय का आवाज सुनते भैया दौड़ के चले ते कारू हो गाय की असलार मारे छा। भैया के जे कहबे भैया किछ गाय के बछरू अधरिए जंगल में रह गेले भैया कहते कारू रहने के बाद गाय कते बछरू कते रहे छे जब नहीं सब नहीं रहत कथि ने गाय ला के तू पलबा बथान गेलो। ए रे हंस तू इसके भैया मारते हंस तू इसके समाज के लोग मारते। लछान रे जाय ने दे हमरा अधरी जंगल कर्म पथ पर कर्म पथ पर जाय से हमरा मना नहीं कर। लछन कल के भैया नहीं जा लाख हमरा का बोले कि तो अधरी जंगल जाय ने हम नहीं जाबा। आलो जे आलो तमाम श्रोता से आग्रह है कि अभी अभी कुछ क्षण बाद रंगीन प्रोग्राम दिखाल देते यो भगतो कहते और ओकर पाटो देखते कुछ क्षण के बाद आप जे छे रंगीन प्रोग्राम यहाँ तक शुरू है वाला छे। तमाम माता बहनों नौजवान साथियों दोस्तों हजारों की जनसंख्या में पहुंचकर भक्ति भजन को सुनेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। बाबू संत बाबा कारू के लक्षण मना कह रहे लाख समझावई है लेकिन लक्षण मानने के लिए तैयार नहीं हुई है। संत बाबा कारू कल के लक्षण रे हे रे माई के पेट से तू जन्म लेली है माई के दूध तू छोड़ ली है अपना गोद में तोरा ले आए लियो गाय के दूध पिला के आए बच्चा से 12 बरस के तोरा हम बना दलियो ये कहिए हमर तू बात नहीं काट ली है हम बार भाई छियो बार भाई पिता के तुल्य होई छे पिता के समान हमरा मान लिए लेकिन आए हमरा तू कर्म पथ पर जाय से मना करे छी लछन रे। लछन कल के भैया आई नहीं दबा जाए ने तोरा मार बे मार ला मंजूरी है लेकिन तोरा दरी जंगल में नहीं दबा जाए। संत बाबा कारू क्रोधित भाग ले लछन रे आज अधरी जंगल नहीं दबी जाए ने तो कहियो तोरा फूल के सटिया से हम नहीं मार लियो आज अधरी जंगल नहीं दबी जाए ने तो हे रे दुश्मन आशा कई के अरे पहनिए देव रे मुदैया जुआई धारा नदी के
कहिए तो तरह फूल के सतियो तो हमने मान लियो, लेकिन आए जब का दिल के तो दुखावै छी कर पथ पर नहीं दै छी जाय रे। आए तरह हम धारा नदी के किनार में सत के बान बन रहल छियो। संत बाबा तारु लक्षण के सत के बान बन गई है, मनहा तक कह दई है रे मनहा, गाय बछरू के तुम देखभाल करिए, मूंग धान में गाय बछरू के नहीं पिहे जाए। बाबू संत बाबा तारू लक्षण के सत के पास बन गई है कोई जगह से बाबू। आयो सारा परयो मारने जंगल जाइए लाभ के लक्षण समझे जाए तो वो बात पार को बात नहीं मान लगे कभी लिख लिखी नहीं है। संत शिरोमणि श्रोता बंधु ये पत जानो ताप निर्मुक्ति आप ही काल बिना सही बुद्धि, जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बाबूजी कवि लिखल की नहीं है ये मत जानो डाक निर्बुद्धि आवही काल बिना सही बुद्धि, जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मानव के बुद्धि विवेक मने होइ छे, बुद्धि ज्ञान भ्रष्ट भए जाइ। लक्षण के कहिए संत बाबा कारु फूल के सतिया नहीं मार लकै, आय कारु बाबा पर काल आवे वाला छे, काल सवारी है त कारु बाबा लक्षण सहोदर भाई के सत के पान बहिन के अधरी जंगल। बाबूजी धारा नदी के किनार में हेल गेले अधरी जंगल जा रहे हैं। आयो दुनिया में करई कारू बाबा, दुनिया यो Hey, I'm not a-
बाबूजी अब आप सबके बीच रंगीन मंडली धर्म कुंज में उपस्थित है। अब आप सब रंगीन मंडली के स्वर में भगत देखबो करवे सुनबो करवे आ सब अहिना गोता लगा के बाबा कारू के दरबार में बैसू भक्ति भजन सुन के पुण्य के भागी बनो। अब एक बार हम सब हाथ से ताली बजा के मुंह से भगवान के नाम ले लिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 बाबा कारू के दरबार में जते भी बाबू भैया माँ बहन बैसल छे सब सागर तरफ एक बार भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई अपन अपन हाथ से ताली बजाइयो मुंह से भगवान के नाम ली। या एक भगवान के नाम लेने से मानव हम सागर के नैया से पार हुई। अब ये भगवान के नाम ले से मानव हम सागर के नैया से पार हुई छे। अब एक बार भगवान के सब मिल के याद करी भगवान के नाम पर ताली बजावी भगवान के नाम मुखार वृंद ली। अब ये श्रोता भगवान जहाँ जगह बैसल छे अब अपन हाथ से ताली बजाबू मुंह से भगवान के नाम लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय यमुना की जय जय क्षमा करियो अभी यहाँ सब सुने रहो न्यू माँ भगवती लोक गाथा भगत मंडली गायक पंकज पंजियार व साथी के स्वर में ग्राम पंचायत बिलवारा थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा है नन्ना मुन्ना कलाकार के स्वर में स्वर संगम स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑडियो वीडियो भगत देखे एवं सुने है वह नन्ना मुन्ना कलाकार से जे भी गलती भे लेते हैं आज सब बच्चा समझ के माफ करवाए अगर सेवा के मौका देवे तो जरूर हम सेवा करे के प्रयास करब। बोलो बोलो सच्ची दरबार की जय।